कैसे हैं आप मेरे आसपास ये इतने सारे पेड़ पौधे देख रहे हैं और आपको भी मैं आज पौधों से संबंधित जानकारी देने वाला हूँ। हम करेंगे कक्षा छठी का पाठ 7 पौधों को जानिए से संबंधित बड़ा ही मज़ेदार क्रियाकलाप पौधों के संवर्ग, यानी कौन सा पौधा कैसा है, उसका तना कैसा है, उसकी शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, इससे संबंधित हम सारी जानकारी इस क्रियाकलाप से प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं अपने प्यारे मित्र पौधों के बारे में, क्रियाकलाप पौधों को जानिए में। दोस्तों, पौधों को वर्गीकरण करने के लिए हम 3 आधार बिंदु अपनाएंगे, जैसे पौधे की ऊंचाई कितनी है, पौधे का तना कैसा है और शाखाएं कहाँ से निकली हैं। इसी के आधार पर हम आज पौधों को वर्गीकृत करेंगे 3 संवर्ग में, शाख, झाड़ी और वृक्ष। दोस्तों, गमले में लगे इन पौधों को देखिए, इनके तने हरे और कोमल नज़र आ रहे हैं और इनकी ऊंचाई भी कम नज़र आ रही है, साथ ही इसमें ज़्यादा शाखाएं नहीं हैं, यानी ये पौधे शाख कहलाते हैं। तो शाख की परिभाषा क्या हुई? वह पौधे जो हरे और कोमल तने वाले, ऊंचाई में कम और शाखाएं ना के बराबर हों, ऐसे पौधों को हम शाख कहते हैं। दोस्तों, अब इसे देखिए, यह है नींबू का पौधा। इसकी शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं और तना कठोर नज़र आ रहा है, परंतु अधिक मोटा नहीं है। इसे हम झाड़ी कहेंगे। तो दोस्तों, हमारी झाड़ी की परिभाषा क्या हुई? बिल्कुल सही, वह पौधे जिनमें शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलें और तना कठोर हो परंतु अधिक मोटा न हो, उन्हें हम झाड़ी कहते हैं। दोस्तों, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं और इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये है नीम का वृक्ष। तो दोस्तों, ये थे अपने पौधों के 3 संवर्ग। क्या क्या नाम है? शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। और ये हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमारा बड़ा ही मज़ेदार क्रियाकलाप रहा। आपका धन्यवाद।